हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। तो थैंक यू सो मच कि मुझे इतना सारा सपोर्ट दे रहे हो आप लोग यूट्यूब पे, क्योंकि जब मैं कॉमेडी वीडियोस बनाती थी तो इतने सारे व्यूज़ नहीं आते थे, इतनी सारी रीच नहीं मिलती थी। पर जब मैंने व्लॉग स्टार्ट किया तो इतनी सारी रीच मिलने लगी है। तो अगेन थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि आप व्लॉग स्टार्ट करो। और हाँ, दूसरी बात है कि आज मैं बनाने वाली हूँ आइसक्रीम घर पर, और देखते हैं कि आइसक्रीम ही बनता है या फिर और कुछ बनता है। स्टे ट्यून्ड। सो गाइज, ये मैं पी रही हूँ ग्रीन जूस। और काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि सुबह का नाश्ता स्किप नहीं करना चाहिए, पर मैं ये मॉर्निंग में लेती हूँ और मैं उसके बाद मैं भिगोई हुई बादाम खाती हूँ 1 घंटे के बाद, और उसके बाद मैं फिर डायरेक्टली 12 बजे या फिर 12:30 बजे लंच ले लेती हूँ। तो राज आज घर पे है और घर पर रहने का पूरा फायदा उठा रहा है। मतलब क्या रहता है पता है, घर पे कुछ भी पहले बिगड़ जाता है ना, तो पहले हम चेक करवाते हैं राज के पास। राज ही पूरा चेक करता है, उससे नहीं होगा फिर ही वो किसी को बुलाएगा, प्लम्बर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, कुछ भी, किसी को भी। तो पहले वो चेक करेगा, उसके बाद ही हमारे घर पे कोई इलेक्ट्रिशियन या फिर प्लम्बर आएंगे। मैंने बहुत सारी रेसिपी देखी है आइसक्रीम की यूट्यूब पे, और उसमें पहली चीज़ तो यही कि मेरे पास ब्लेंडर नहीं है, तो मैं विदाउट ब्लेंडर बनाने वाली हूँ। मैंने क्रीम लेकर आई हूँ और देखते हैं कि मैं अभी 2-3 रेसिपी मिक्स करके मैं बनाने वाली हूँ आइसक्रीम। आई डोंट नो आइसक्रीम बनेगी कि नहीं। देखो, आइसक्रीम नहीं बनेगी पर 100% रबड़ी तो बनेगी। हमरा तो सब कहते थे दाई जीप टूंकी थी गई है, झाड़ी थी गई, झाड़ी टूंकी, तो तू झाड़ी बोले तार थई जाए। बढ़िया शब्द बोलला में तकलीफ पड़े, रुपाणी ने उच्चे माटे में फ्राई, फ्रेंच फ्राई, 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 फ्रेंच फ्राई जो आना से को बोला फ्राई, फ्राई, फ्राइस, फ्राइस, फ्रेंच फ्राइस। तो आपड़ी तो घी तार के टूंकी जीप छे, ટોકી જીપ એમ તો હરવે ને બોલતો, હમણાં ભાઈ બે ભેગો જોડીયો શબ્દ બોલવો એટલે ફ્રાઈ ફ્રેન્ચ થઈ જાય। ઠીક, એટલે રૂપાણી સાહેબ ને પ્રોબ્લેમ આ છે, હા એને જીપ ટોકી જીપ, હાથ જ લાંબા છે। કયો આ ફેદુતનો પાવડર છે? ના ભાઈ, તો જો દાદા પાવડર તમારે કરવો છે, તો કયા વાત કામ? મેં જોયો છે આ છે દૂધનો પાવડર, દીધા છે ઓલો મેંદાનો કે મતલબ દૂધનો પાવડર છે, નામ દૂધનો તો નહીં, ખૂબ દૂધનો પાવડર આ જે દૂધનો, આ જે દૂધનો પાવડર તમે શું નાખી દીધું, તમે ખાવ જમચી ઉલાવી દીધું, મને ચમચી ઉલાવી દીધું, કોણ છે મેં તો કેવો નામ હોય દૂધનો પાવડર તો जो मुझे बाद में डालना था, तो कोई दिक्कत नहीं, अभी देखते क्या बनता है। अभी मैंने गैस नहीं स्टार्ट किया, अभी मैं थोड़ा वो इसमें मिला लेती हूँ, तो अभी स्टार्ट करेंगे गैस। सुबह से मैं सोच रही थी कि मैं आइसक्रीम बनाऊंगी, और तीसरी बार ये लाइट चली गई है, मुझे लगता है रबड़ी ही पीने पड़ेगी। तो ये आइसक्रीम बनने के लिए अभी रेडी हो रहा है, यानी कि फ्रिज में रखेंगे इसको ऐसे पैक करके। मैंने डिब्बे में पैक तो कर दिया है, पता नहीं अभी 2 घंटे के बाद, 2-3 घंटे के बाद मैं इसको खोलूँगी, फिर ग्राइंड करना है और फिर उसको फिर जमाना है। और अभी तो लाइट चली गई है, फिर भी मैं अभी फ्रिज में रख देती हूँ। मम्मी, आप आइसक्रीम नो नाम से पाड़सो? बने पछी कुमार पाड़से नाम, काका कुमार था। तो गाइज, मेरा आइसक्रीम हो गया रेडी, तो अभी देखते हैं कि क्या बना होगा। आप लोग गैस करो, रबड़ी या आइसक्रीम, जल्दी जल्दी देखते
હજી એને જામમાં દેવાનું છે જો જો હજી નથી જામમાં ચાલો ખાઈ જાય નકર રબડી પીવી પડશે કેવું બેન આમ માવા જેવો નહીં આવતો આમ ટેસ્ટ फिर हमने वापस ग्राइंड करके फिर से वो आइसक्रीम को जमा दिया था और मॉर्निंग को हमने फिर ट्राई किया था तो सीरियसली बहुत मस्त बना है, आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। यम्मी यम्मी सो सीधे मावा बदाम लगे है ना वगर बदाम मावा बदाम कुल्फी जैसी लग रही है बिना बदाम के, बहुत मस्त है, आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। और आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।